की हालत देखें आप, कीचड़ ही कीचड़ हो चुका है। बारिश बहुत ज्यादा तेज शुरू होने वाली है। आप देखो जैसे जैसे हम आगे, अभी हम यहाँ पर जाम लगा हुआ है क्योंकि आगे जो है ना रोड कटिंग का काम। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं बढ़िया हूँ और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ बिल्कुल रास्ते से। और हम पहुंचे हैं कहाँ पर, अभी ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना इसके पास, ये बथूनी, ये यहाँ पर एक जो नई पार्क बनी है, यहाँ पर इको पार्क यहाँ पर बनी है। हम यहाँ पे व्लॉग शुरू कर रहे हैं आज क्योंकि पीछे बारिश ज्यादा तेज लगी हुई थी, हम रुके हुए थे, व्लॉग हमने शुरू नहीं किया। और आज हमारे साथ हैं अविनाश भाई और आज ये संडे मना रहे थे। इन्होंने बोला कि संडे को हम आज घर में सोएंगे, रेस्ट करेंगे आराम से, पर इनको हमने सोने नहीं दिया। हमने बोला खजल करेंगे, फुल खजल करेंगे। कैसा लग रहा है हमारे साथ आकर? सर बहुत बढ़िया, बढ़िया लग रहा है। और मेरे व्लॉग में पहली बार आ रहे हैं आज। और अभी पीछे मैं दिखाता हूँ, ये इको पार्क का पीछे जंगल के बीच में बनी है। हम जा रहे थे अंदर पर, संडे शायद बंद है तो हम नहीं जाएंगे। तो आगे बारिश तेज शुरू हो गई है, हम आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। चलो बने रहो हमारे साथ। सो गाइस बारिश बहुत ज्यादा तेज शुरू होने वाली है। आप देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना बारिश तेज हो रही है। वो देखो, और हम भी सोच रहे हैं कहीं आप आगे जाकर रुकेंगे क्योंकि बारिश में भीगने का मजा ही कुछ हो रहा है। और देखो व्यू कितना जबरदस्त आ रहा है बारिश का, बारिश सीधा कैमरे में बज रही है। और हमारे जो ड्राइवर है ना इनको चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ड्राइवर। तो आज मजा आ रहा घूमने का, बारिश में घूमने का मजा। और आई होप कि आपको ये व्लॉग बहुत ज्यादा पसंद आएगा। बहुत ज्यादा बारिश की वजह से आज जो व्लॉग है ना वो बारिश के बीच में हम बना रहे हैं। तो चलो हम अभी फोन डाल रहे हैं जेब में क्योंकि बारिश तेज हो रही है, फोन गीला हो जाएगा। है वाटर प्रूफ है पर रिस्क हम उठाते नहीं, ठीक है, ऐसा काम है। तो गाइस अभी हम रुके यहाँ पर लोगड़ा से थोड़ा पीछे क्योंकि बारिश तेज हो गई थी तो हमें मजबूरन रुकना पड़ा। और यहाँ पर हम खा रहे हैं ये 5 रुपये वाला चिप्स, बीच में 5-6 छिलके पड़े हुए, ओनली 5 रुपीज। तो पीछे देखो बारिश, 5 पीस बारिश बड़ी तेज लगी हुई है पीछे। यहाँ पर हम रुक के स्कूटी अंदर लगाई, यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं बारिश रुके और हम फिर वापस जाए आगे। चलो मिलते हैं आपको आगे। उसी का ग्रेजुएशन लगेगा ग्रुप में, पहले बता मेरी टक्कर नहीं। फाइनली अभी बारिश जो है ना वो थोड़ी थोड़ी रुकी है, तो अभी भी जो बूंदाबांदी है वो हो रही है। पहाड़ी में बोले तो मट्ठी मट्ठी वर्षा लगी दी है, ये डोगरी है। चल डोगरी दे बोल रही है, मट्ठी मट्ठी वर्षा लगी दी है। देखो और पीछे देखो रोड जो कटिंग हुई है ना उसका जितना भी मलबा है सारा देखो पत्थर, ये सब आपको यहाँ दिखेगा इस साइड पे लगा हुआ। रियासी आज एतवार नो इस बारिश के मजे ला रहे हैं, मजे ला रहे हैं इस बारिश के कन्ने कन्ने। मैं थोड़ा एक सोना जहा सॉन्ग सुनाऊंगा। वाह कहने को साथ अपने इस दुनिया चलती है पर छुपके इस दिन में तन्हाई बनती है तेरी याद साथ है। जो रोड में पानी देखो कितना ज्यादा है, 5 मिनट की बारिश में पूरे के पूरे बारिश के गड्ढे बन गए सारे रोड में, जो गड्ढे थे सारे यहाँ मेरे हिसाब से कटिंग शुरू हो गई आप। जाम नहीं है अभी, जान दे जाम नहीं है, पानी फट चली हस्ता जाए हस्ता हस्ता ये पानी पे तो बहुत ही लगा। तो मैं ती 100 बारी आख्या कि साढ़े कोल स्कूटी है तो ये रोड माड़े घर नहीं है, तो आड़ी होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड है बट एक साथ आवे भी होगी कर चलना। तेरी याद साथ। देखो अभी हम यहाँ पर जाम लगा हुआ है क्योंकि आगे जो है ना रोड कटिंग का काम चल रहा है तो लोगड़ा में। और ये देखो कितनी ज़्यादा कटिंग हो गई है, आगे टिप्पर लगा हुआ है ट्राला जो उसको भर रहे हैं, जाम लगा हुआ है। हम भी यहाँ पर रुके हुए आराम से देख रहे हैं, घड़ी से पत्थर तोड़ रहा है, आराम ना ले रहा है।
दिखाता हूँ यहाँ से कितनी ज़्यादा मतलब स्लिप है। वो देखो पूरी बारिश हुई है, कीचड़ कीचड़ है। यहाँ पे एक बाइक वाला और स्कूटी वाला अभी नीचे गिरा था पहले, तो कितनी ज़्यादा खतरनाक रोड हो चुकी है, मतलब जब पूरी रोड में कीचड़ कीचड़ है बारिश के कारण। सो यार मैं अभी पहुँचा हूँ अपने गाँव, और रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी, वो तो आपको मैंने दिखाया पीछे। लेकिन आगे जो ट्रैफिक वाले बैठे हुए थे ना, फिर उनको देखकर हेलमेट डालना पड़ा। और आगे एक जगह रोड कटी है, वहाँ पर स्लिप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर एक स्कूटी वाला एक बाइक वाला स्लिप हुआ। और आराम से चलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बारिश का मौसम है, स्लिप है, रोड कट रही है क्योंकि हाईवे का काम चल रहा है। तो मैं तो कहता हूँ आराम से चलो। और देखो फिर से बारिश शुरू हो गई है, मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ, तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऊपर। तो मैंने यहाँ पर स्कूटी भी की है पार्क, ये की है मैंने स्कूटी पार्क यहाँ पर, और यहाँ से जाऊँगा सीधा ऊपर अपने घरविल तरफ जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ पर बारिश शुरू हो गई है। तो चलो मिलता हूँ आपको सीधा ऊपर, तब तक मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा मस्त दिखता है यहाँ से जो हमारे गाँव का जो व्यू है। तो भाई अभी मैं आया हूँ यहाँ पर अपनी, यहाँ पे मक्की तोड़ने, ये देखो पीछे लगी हुई है मक्की, और बारिश ने बहुत तेज़ लगी हुई है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आज बारिश ने मुझे बिल्कुल खज्जल करके रखा हुआ, कसम से छाता पकड़ा हुआ आराम से, मक्की तोड़ने आया था, मैंने मक्की तोड़ के रखी है। चलो अब जा रहा हूँ, मिलता हूँ आपको आगे। देखें आप कीचड़ ही कीचड़ हो चुका है, स्लिप हो रही है स्कूटी। पीछे गाड़ी है, पीछे गाड़ी है, जाने आराम से आराम से आराम से, ज़्यादा तेज नहीं, क्योंकि दिस इज मिट्टी। ओ भाई साहब, तो गाइस हम वापस आ चुके हैं अपने घर सलानी पे, जिंदर किया हमने, बारिश ने बहुत खजल किया हमें आज पूरा दिन। तो गाइस जस्ट अभी अभी मैं सिर्फ छत पर आया हूँ, और दिन को आपको पता है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और अब तो मौसम थोड़ा सा एक जगह से साफ़ हो गया, थोड़ी सी धूप भी थी अभी। और दिन भर आपको पता है सुबह से लेकर बारिश चल रही थी, सुबह 10 बजे निकला था मैं, और दिन भर बारिश में खजल। और रास्ते समय जब आते समय क्या हुआ कि बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई, उससे क्या हुआ कि रोड की कटिंग चल रही थी, काम चला था, तो सारी स्कूटी मतलब कीचड़ कीचड़, खुद भी कपड़े गंदे हो गए, गीले हो गए सारे, और फिर व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि बारिश ज़्यादा तेज़ हो रही थी। और फिर मैं लगभग 2 बजे घर पहुंचा, फिर मैंने सोचा चलो अभी रेस्ट वगैरह कर लेते हैं, फिर मैंने खाना शाना खाया, कपड़े चेंज किए, और फिर आराम से सो गए। बारिश हो रही थी, सोना ही था, और अभी उठाऊँ तो फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग एंड करते हैं, और आज का जो व्लॉग है यहीं पर एंड करता हूँ। और आई होप व्लॉग आपको पसंद आएगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो आजकल व्लॉग हो रहे हैं ना, वो बारिश में ही हो रहे हैं, क्योंकि अब मौसम भी है वैसा ही है, आपको पता है बारिश का। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी
और आपके पास जल्दी पहुंचेगी। नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना। चलो मिलते हैं आपको एक और ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।